चलिए दोस्तों, हमारे पास Xiaomi 14 Pro आ गया है और उसके ऊपर ब्रांड न्यू Hyper OS 1.0 आ गया है। जी हाँ, MIUI का ये सक्सेसर होने वाला है। और एक बात कहूँ, बहुत सारी चेंजेस है जो ज्यादा दिखते नहीं, अंडर द हुड बहुत सारे चेंजेस है। इनफैक्ट जितने भी आर्टिकल्स वगैरह मैंने पढ़े उसके हिसाब से Xiaomi का खुद का एक प्लेटफॉर्म है वेलार, जो वो उनके ऑडियो प्रोडक्ट्स में और दूसरे इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स है उसमें होता है। उसका जो कोड बेस है उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है एंड कर्नल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइट वेट भी हो गया। अब मैं इसके वेट के बारे में बात करूं तो ये कुछ 8-8.5 GB का था। अगर MIUI के बारे में बात करूं, I'm not sure, but 10-11 GB के ऊपर ही था उसका वेट। So they have reduced it, they have made it lighter, और उसकी वजह से ये फास्टर भी हो गया है। तो अंडर द हुड बहुत सारे चेंजेस है, बट विजुअल चेंजेस भी है। एंड सबसे पहले अगर बात करूं तो वो है लॉक स्क्रीन। अगर आप लॉक स्क्रीन के पास देखोगे, लॉक स्क्रीन आप लॉक स्क्रीन के ऊपर से ही कस्टमाइज कर पाओगे। आईफोन का अगर लॉक स्क्रीन आपको पता है आप जैसे चेंज कर सकते हो, वैसे ये बहुत सिमिलर है। लॉक स्क्रीन से ही आप अलग अलग वॉल पेपर्स चूज कर पाओगे, क्लॉक विजेट वगैरह है उसकी साइज करना है, शिफ्ट करना है पोजीशन, वो सब कर पाओगे। डेप्थ इफेक्ट वगैरह आपको चाहिए वो सब कर पाओगे। सो यू नो, अगर आपने आईफोन इस्तेमाल किया है यू विल बी एट होम विद दिस। और उतना ही नहीं, इंस्पिरेशन मिला है। जी हाँ, अगर आप कंट्रोल सेंटर के पास देखते हो, व्हाट डू यू रिमेंबर? जी हाँ, आईफोन पे जैसे होता है वैसे ही कुछ है। एंड लेट मी टेल यू, अगर इंस्पायर होके बनाया हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज बैड, इट इज रियली गुड, क्योंकि अच्छा दिखता है एंड इट वर्क्स वेल। हमने जितना भी इस्तेमाल किया हुआ है Xiaomi 14 Pro दोस्तों, ज्यादा नहीं इस्तेमाल किया, बट वी डिड नॉट फाइंड एनी बग्स। इनफैक्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ है। एक चीज नोटिसेबल है, आई मीन लिटरली एवरी टाइम आप टच करते हो, शिफ्ट करते हो, यू नो स्वाइप करते हो, एनिमेशंस वगैरह जो है दोस्तों दे हैव बिकम रियली फास्ट। इनफैक्ट मैं इस लेंथ पे जाऊंगा कि अगर आप आईफोन के साथ कंपेयर करोगे यू विल फाइंड इसके एनिमेशन ज्यादा फास्टर एंड स्मूदर। सो That's really well done. Weather app, अगर आप weather app देखोगे बहुत ज्यादा totally revamp हो गया है, information भी बहुत ज्यादा मिलती है। So that is one change. और एक छोटा सा change है दोस्तों, recent apps जब आप देखते हो background में जो भी apps है तो generally आपको vertical portrait mode में आता है, अब आप horizontal भी कर पाओगे। So that is there. I don't know why you want it, but हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो हॉरिजॉन्टल कीजिए, वरना वर्टिकल इज ओके। 2024 का जो साल होने वाला है एआई का होने वाला है, इसके अंदर भी धीरे धीरे हमें दिख रहा है एआई से क्या क्या कर सकते हैं। गैलरी में भी अब एआई आ गया, तो इसका मतलब आपने फोटो निकाला और बाद में आपने सोचा कि भाई मुझे पोर्ट्रेट चाहिए, मुझे नॉर्मल फोटो नहीं, तो आप कर पाओगे। जी हाँ, आफ्टर क्लिकिंग द फोटो यू कैन टर्न इट इनटू पोर्ट्रेट। और वही ऑब्जेक्ट इरेजर वगैरह, स्काई वगैरह आपको पीछे का चेंज करना है, वो सब आप कर पाओगे थैंक्स टू एआई। एआई इज गोइंग टू बी एवरीवेयर, लेट मी टेल यू दैट। मल्टीटास्किंग के लिए भी ये फोन अच्छा हो गया। स्प्लिट स्क्रीन तो पहले भी था दोस्तों, बट अब आप स्प्लिट स्क्रीन तो यूज कर पाओगे, बट ऑल्सो उसके ऊपर फ्लोटिंग विंडो। सो तीन अलग अलग विंडोज में आप कर पाओगे। सो मल्टीटास्किंग में आप 2-3 चीजें एक ही टाइम पे करते हो। Xiaomi 14 Pro या फिर Hyper OS जो है बहुत अच्छे फीचर्स देता है। इट इज डन वेरी वेल, जो इंप्लीमेंटेशन है उसका वो अच्छा है। बहुत बार फीचर्स नाम के लिए होते हैं बट यू डोंट यूज इट बिकॉज यू नो इट इज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली, बट दिस इज बिकम वेरी यूजर फ्रेंडली। और एक इंटरेस्टिंग है, फीचर तो नहीं कहूंगा, मुझे पता नहीं क्यों किया हुआ है, बट स्टोरेज एक्सपेंशन कर पाओगे। अभी तक हमने रैम एक्सपेंशन के बारे में सुना हुआ है, बट इसमें स्टोरेज एक्सपेंशन कर पाओगे। अब हमारे पास जो वेरिएंट है दोस्तों वो 12-256 GB का वेरिएंट है, इसमें 8 GB स्टोरेज आप एक्सपैंड कर पाओगे। एंड 512 GB वेरिएंट भी है, उसमें 16 GB आप कर पाओगे। लेकिन 512 GB अगर आपको इनफ नहीं हो रहा है, 16 GB से क्या होने वाला है? बट हाँ, रैम एक्सपेंशन तो होता है सब में, इसमें स्टोरेज एक्सपेंशन आ गया है। चलिए सब अच्छा है दोस्तों, लेकिन आप पूछोगे कि भाई मेरे फोन पे आने वाला है या नहीं। अब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में, मतलब जैन फेब मार्च 2024 तक 8 फोन्स पे आने वाला है। उसमें Xiaomi 11T है, 12T है, 12T Pro है, एंड देन Xiaomi 13 एंटायर सीरीज, 13, 13 Pro, 13T, जो भी 13 सीरीज में सब फोन्स में आने वाला है। ये पहले 3 महीनों में, उसके बाद में लेटर ऑन फेस्ड आउट अलग अलग फोन्स पे भी आएगा, बट दीज विल बी द फर्स्ट फोन्स टू गेट Hyper OS 1.0। और एक टैबलेट पे भी आ रहा है, Xiaomi Pad 6 पे भी Hyper OS आने वाला है। दैट विल बी इंटरेस्टिंग, स्पेशली फॉर मल्टीटास्किंग वगैरह के लिए विद दैट बिग स्क्रीन। नाइस। ये दोस्तों यही था Hyper OS 1.0। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था यार इसके ऊपर वीडियो कीजिए, तो इमीडिएटली वीडियो कर दिया। कैसे लगा? अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं आने वाले दिनों में। डू दैट राइट नाउ। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।